हाय गाइस, मेरा नाम है पिंटू कुमार शाह और आज मैं आपको बताऊंगा वॉल घड़ी का टाइम शॉर्टकट में कैसे देखें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये साइड साइड में जो बिंदु है और किसी किसी वॉल घड़ी में रहेगा लाइन, ठीक है। किसी किसी वॉल घड़ी में लाइन रहेगा और किसी किसी घड़ी में बिंदु रहेगा साइड साइड में, ठीक है। तो ये जितना भी बिंदु देख रहे हैं इसको सेकेंड भी बोलेंगे और मिनट भी बोलेंगे, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं 10, 11, 12, 1, 2 ये जो देख रहे हैं इसको हम घंटा भी बोलेंगे और मिनट भी बोलेंगे, ठीक है। अब ये घंटा और मिनट किस चीज़ पर आधारित है, जैसे कि ये जो 12 वाला सुइया देख रहे हैं आप, ये जो 12 वाला मोटा वाला सुइया देख रहे हैं, ये अगर किसी पर रहता है, जैसे 1 पर है तो 5 मिनट होगा, 2 पर है तो 10 मिनट होगा, 3 पर है तो 15 मिनट होगा, 4 पर है तो 20 मिनट होगा, यानी ये मिनट पर हो जाएगा, ठीक है। वो सब मिनट पर हो जाएगा। ये जो लंबा वाला सुई जिस पर रहेगा वो मिनट हो जाएगा, और ये जो छोटा वाला सुई जो है, ये जो छोटा वाला सुई है, ये अगर 10 पर रहेगा तो घंटा हो जाएगा, ठीक है। 11 पर रहेगा तो घंटा हो जाएगा, 12 पर रहेगा तो घंटा हो जाएगा। ये छोटा वाला सुई, ये जो छोटा वाला सुई देख रहे हैं, ये जिस पर भी रहेगा वो सब घंटा होगा, और ये जो लंबा वाला सुई देख रहे हैं यह मिनट होगा। ये जिस पर भी जिस भी नंबर पर रहेगा वो सब मिनट होगा। और ये जो सेकेंड का सुई देख रहे हैं चल रहा है, ये जो सेकेंड का सुई जो देख रहे हैं चल रहा है, ये जिस पर रहेगा वह सेकेंड होगा, ठीक है। तो साइड साइड वाला देख रहे हैं, जैसे कि आपको हमने बताया कि ये साइड साइड वाला सेकेंड होता है और मिनट होता है, ठीक है। तो ये जो सुई है पतला वाला, ये जिस पर जाएगा वह सेकेंड होगा। जैसे इस बिंदु पर आया तो 1 सेकेंड होया, इस बिंदु पर आया तो 2 सेकेंड है, इस बिंदु पर 3 सेकेंड है। जैसे 12 से हम स्टार्ट करते हैं, तो 12 से स्टार्ट करते हैं, तो अगर इस बिंदु पर ये वाला जो सेकेंड का सुई जो चल रहा है ये इस पर आएगा तो 1 सेकेंड होगा, 2 सेकेंड होगा, 3 सेकेंड होगा। और यही ये जो सुई देख रहे हैं आप, जो चौड़ा वाला, मोटा वाला, लंबा वाला है, ये इस पर क्या करे, ये जो सुई जिस पर जाएगा वह मिनट हो जाएगा, ठीक है। और ये अगर इस पर नंबर पर आता है तो 5 मिनट हो जाएगा, और ये जो बिंदु पर आएगा या किसी किसी घड़ी में लंबा रहता है तो इसमें 1 मिनट होगा, और 1 पर रहेगा तो 5 मिनट, 2 पर रहेगा तो 10 मिनट, 3 पर रहेगा तो 15 मिनट, ठीक है। तो वैसे ही अभी जैसे हम देख सकते हैं कि अभी टाइम हो रहा है, ये जो छोटा वाला सुई है ये 10 पर है तो 10 बज गया, ठीक है। और ये 12 वाला सुई जो है 1 से पार हो गया है, तो इसको 5 यहाँ पर तो रहने से 5 मिनट हो गया। और ये जब 5 मिनट का ये जो डार्क बिंदु होगा यहाँ पर, तो डार्क बिंदु से हम गिनती करेंगे, काउंट करेंगे कितना आगे है ये जो सुई, तो 1, 2, तो यानी 7 मिनट हो गया, 10:05 और 2:07, 7 मिनट हो गया, 10:07 हुआ, ठीक है। जब भी आपको टाइम देखना होगा तो आप ये छोटा वाला सुई देखिएगा कि किस नंबर पर है, यानी 10 पर है तो 10 बज गया सबसे पहले, तो अगर 11 पर है तो 11 बज गया ये छोटा वाला सुई, ठीक है। उसके बाद में ये जो सुई देख रहे हैं पतला वाला, ये किस नंबर पर है, ठीक है। तो ये अगर 1 पर रहेगा तो ये 5 मिनट हो जाएगा, और ये बिंदु जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे 5 मिनट, यानी 12 से गिनती करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 5 हो गया ये वाला, तो 5 मिनट हो गया, ठीक है। इसके बाद में जो भी जहाँ फिर बढ़ेगा 6, 7, 8, 9, 10, तो 10 हो जाएगा, 10 2 पर आके रुक जाएगा, 10 मिनट हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसी तरह ये जो शॉर्टकट तरीका है देखने का घड़ी कि आपको टाइम कैसे देखना है। किसी व्यक्ति ने पूछा आपसे टाइम कितना हो रहा है, तो आप सीधा इसको देखिएगा, ये छोटा वाला सुई किस पर है, 9 पर है सपोज, तो 9 बज गया, ठीक है। और ये 12 वाला सुई कहाँ पर है, 2 पर है, 2 का बिंदु पर यहाँ पर मेन डार्क होगा, डार्क पर आएगा तो 10 मिनट हो जाएगा, ठीक है। और ये सेकेंड भी कोई पूछता है तो सेकेंड भी आप काउंट करके बता सकते हैं। अगर 8 पर है तो 40 सेकेंड होगा, ठीक है। और जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे बिंदु से आगे, जैसे जो पॉइंट है सब सेकेंड और मिनट का है, ठीक है। तो सेकेंड ये सुई के लिए लागू है, और मिनट ये सुई के लिए लागू है, और घंटा ये सुई के लिए लागू है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप वॉल घड़ी का टाइम देखना सीख गए होंगे। सो थैंक यू वेरी मच।